जय माँ दादी, आपका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। जुलाई 2017 का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। हम बात करेंगे तुला राशि के मासिक राशिफल के बारे में। इस महीने आप अपने हार्ड वर्क से अपनी मंजिल पा सकते हैं। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस माह शनि देव आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे, इसलिए आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी माँ की स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी का आपको बहुत ही बड़ा लाभ मिल सकता है। इस समय आपको प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। गुरु का द्वादश भाव से गोचर भाई बहनों को विदेश यात्रा करा सकता है। पारिवारिक सुख में वृद्धि संभव है। राहु का एकादश भाव से गोचर आपको अनेक स्रोतों से लाभ करा सकता है। आपकी संघर्ष क्षमता काफी अच्छी बनी रहेगी। आपके संतान को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। केतु के पंचम भाव में गोचरीय स्थिति आपके आध्यात्मिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी करेगी। मंत्र, योग व गुण विद्याओं के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। इस महीने शिक्षा में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। मंगल का नवम भाव में गोचर नौकरी में जबरदस्त आर्थिक लाभ दे सकता है। शुक्र का अष्टम भाव से गोचर नौकरी में परिवर्तन होने का संकेत कर रहा है। ट्रांसफर भी हो सकता है। बुध की नवम भाव में गोचरीय स्थिति परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा को इंगित कर रहा है। माता की कोई धार्मिक यात्रा भी संभव है। ये महीना आपके नौकरी या बिजनेस के नए काम के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रॉपर्टी के बिजनेस से लाभ प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। सूर्य की नवम भाव में गोचरीय स्थिति भाई बहनों की उन्नति का संकेत है। मित्रों के सहयोग से आपका भाग्य चमक सकता है। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। कुल मिलाकर यह महीना आपके आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये महीना आपकी नौकरी और बिजनेस के लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित हो सकता है। धार्मिक कार्यों पर आपका खर्चा हो सकता है। राहु की गोचरीय स्थिति के कारण आपको अनेक प्रकार के लाभ होंगे। इसके अतिरिक्त भूमि अथवा मकान से जुड़े लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। मंगल का गोचर नौकरी में जबरदस्त आर्थिक लाभ दे सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि होने से धन लाभ होने की बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं। अगर आपका कार्य क्षेत्र सिल्क, पशुपालन, वस्त्र, दूध व दुग्ध उत्पाद, सौंदर्य उत्पाद आदि से जुड़ा हुआ है, तो आप लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। कुल मिलाकर ये माह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस महीने आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस माह आपकी राशि का स्वामी शुक्र के आठवें भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ सकता है। इसी वजह से आपको मानसिक व शारीरिक थकान हो सकती है। आप काम को कम से कम करें और अपने सेहत का ख्याल जरूर रखें। ज्यादा मानसिक तनाव लेने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। परिवार के साथ वक्त बिताना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। उनके साथ किसी खूबसूरत जगह की सैर पर जाने से आपको ताजगी का एहसास होगा। वैसे अपनी फिटनेस लेवल को बनाए रखने के लिए रोजाना व्यायाम करना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आप रोजाना व्यायाम के साथ अपना नियमित आहार लेते हैं तो आपको बहुत जल्द स्वास्थ्य की गिरावट यानी थकान से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम है। जीवन साथी के प्रयासों से आपके भाग्य की उन्नति होगी और आपको बहुत बड़ा फायदा भी होगा।
आप उनके साथ कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के मामले में यह समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। किसी भी चीज को करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए अपने साथी के विचारों का आदर करें व उन्हें पूर्ण सम्मान दें। प्रेमी के साथ किसी खूबसूरत स्थल की सैर या कोई अच्छा उपहार देना आपके संबंधों में आ रही कड़वाहटों को खत्म कर सकता है। अब हम बात करेंगे पारिवारिक जीवन के बारे में। कुल मिलाकर ये महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि के दूसरे व राहु के एकादश भाव से गोचर करने के कारण सुख सुविधाएं जुटाने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। माता से आपको लाभ मिलेगा, परंतु उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना पड़ेगा। आपको अपनी माँ के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। इस समय आपके भाई बहनों की विदेश यात्रा करने की संभावनाएं बन रही हैं। पिता से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु उनका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। इस दौरान संतान के स्वास्थ्य में भी कमी देखी जा सकती है। आप सब परिवार किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपके परिवार के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने के लिए आप उपाय करें, सूती कपड़ा और नमकीन गरीब स्त्रियों को समय समय पर दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने का शुभ दिन है 6, 15, 24 तारीख। इन दिनों आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपना राशिफल जानने के लिए कृपया हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।